वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे पेनी स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूं जिनका जिक्र मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस साल की स्टार्टिंग में भी किया था और आप लोगों से इन्वेस्ट करने को कहा था। थोड़ा ही अमाउंट चाहे अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पैसे कई गुना हो चुके होते हैं। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उन स्टॉक्स ने इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं और आगे चलकर भी मुझे एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं उन स्टॉक्स से, और मुझे लगता है कि आगे चलकर उन स्टॉक्स में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है और बहुत ज़्यादा वो रिटर्न्स दे सकते हैं आगे फ्यूचर में भी। लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं आपको स्टॉक्स बताने वाला हूं आज, दो वो पेनी स्टॉक्स हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा लेकिन जो अमाउंट, जो रिटर्न आप इन स्टॉक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आप और किसी मिड कैप या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आगे ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस स्टॉक का नाम बताने से पहले इसका चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंपनी ने पिछले साल मतलब कि एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को 565% का रिटर्न कमा करके दिया है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो मैंने आप लोगों को ये स्टॉक, जब ये 7 रुपये पर ये स्टॉक था, मैंने आपको ख़रीदने को कहा था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 7 रुपये और 85 पैसे से भी नीचे थी तब मैंने आप लोगों को ये स्टॉक ख़रीदने को कहा था। और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपने उस टाइम मेरी वीडियो देख करके इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज आपका पैसा 5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका होता। 5x इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स के पैसों को कर चुका है ये स्टॉक, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर मैं इसका मैक्स पर दबाऊँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने आज तक अपने इन्वेस्टर्स को 10,350% तक का रिटर्न कमा करके दिया है। मतलब कि इस स्टॉक ने आज तक 100x का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा करके दिया है। अगर आपने इस स्टॉक में IPO में पैसे लगाए होते तो आज आपके पैसे 100 गुना हो चुके होते। मतलब कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें 1,000 रुपये लगाए होते तो आज आपके पैसे 10,00,000 रुपये हो चुके होते, आपके सिर्फ 1,000 रुपये। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये स्टॉक के बारे में अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले क्वार्टर्स में और पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों में इसके चार्ट में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी, कुछ ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड नहीं आया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2017 से इस चार्ट ने बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिखाया है और अभी ये डायरेक्ट ऊपर ही जा रहा है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस स्टॉक को गिरने का, उसके बाद इसमें आप एंट्री लेने का ज़रूर सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्टॉक के नाम की। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ट्राइडेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। ये टेक्सटाइल्स, कपड़े वगैरह मैन्युफैक्चर करता है और सेल भी करता है अपने कस्टमर्स को। ये इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज मार्केट में भी ट्राइडेंट का एक अच्छा शेयर है। तो आप इस कंपनी से एक अच्छा रिटर्न, अच्छे प्रॉफिट्स आगे फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो और थोड़ा सा वेट कर सकते हो ताकि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के बराबर आ जाए। दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम बताने से पहले मैं आपको इसके चार्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये स्टॉक इतना पुराना नहीं है। इसका IPO 2020 में ही आया था और ये स्टॉक मार्केट में 2020 में लिस्ट हुआ था। तो आप इसके प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ अभी 21.65 पैसे के करीब में है। और अगर आप अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक मैक्रो कैप स्टॉक है, अगर ये माइक्रो कैप भी बन जाती है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आपको एक अच्छे रिटर्न, अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करके ये स्टॉक दे सकता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपने इस कंपनी के IPO में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पैसे लगभग 34% से बढ़ चुके होते। जबकि ये इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम बाकी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि इस स्टॉक ने इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी या फिर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस स्टॉक के चार्ट्स में नहीं आया है। इस स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है ये स्टॉक। और इसके जितने भी प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ हैं वो भी लगातार इसके चार्ट की तरह बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो और बाय करने का सोच सकते हो। तो अब बात करते हैं इस स्टॉक के नाम की। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्टॉक का नाम है
अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी एक टेक्सटाइल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्सटाइल का जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा अच्छा और पोटेंशियल बिज़नेस है, इसकी भी मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं ओवरसीज़ में भी एक अच्छी पकड़ आलोक इंडस्ट्रीज़ ने बना करके रखी है। तो आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं और बाय करने का सोच सकते हैं, और ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, तो आप चाहें तो अभी भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ट्राइडेंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि वो पहले ही अपने ऑल टाइम हाईएस्ट टच कर चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।